ओम शांति। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। क्या आपको कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा? कोई साधु संत महात्मा सन्यासी नहीं पढ़ा रहा, स्वयं भगवान पढ़ा रहे। कौन पढ़ा रहे? स्वयं भगवान। तो जब भगवान पढ़ाए तो हमें कितना एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए। और एकाग्रता वैसे वरदान में भी मिल जाती है। अगर बाबा से इतना गहरा स्नेह आत्मा रखती है, आत्म अभिमानी स्थिति बना के बैठती है, तो एकाग्रचित भी हो जाती है। एकाग्रता कब नहीं रहती है? जब देह में रहते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि पढ़ाने कौन है। दुनिया में किसी को भगवान मिल रहा है, भगवान मिल रहा है, कितने खुश हो जाएंगे। और आपको बच्चा बनाए भगवान पढ़ा रहा है तो आपको कितनी खुशी होनी चाहिए। अब ये खुशी आप अप्लाई करेंगे तो ही तो समझ आएगी ना। अगर ये समझेंगे नहीं कि हम यहाँ क्या करने आए हैं तो फिर क्या समझ में आएगा। ये भी पता होना चाहिए ना कि आप कौन से स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, कौन से कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, कहाँ आपने एडमिशन लिया है, किस लिए लिया है। जब कोई एडमिशन लेता है किसी भी कॉलेज में तो किस लिए लेता है उसको तो पता होता है, टीचर को तो पता है ही, ये जो स्टूडेंट आए हैं किस लिए आए हैं। तो आप यहाँ किस लिए आए हो? श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो, यहाँ प्रिंस प्रिंसेज बनने के लिए आए हो। श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो, तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। ये बात पक्की होनी चाहिए। जिसे पक्की है वो बहुत एकाग्रता से पढ़ता है, बहुत ध्यान देता है कि भगवान क्या पढ़ा रहा है। ओके, ओम शांति।